दोस्तों, इंडिया में फेस्टिवल हो और मार्केटिंग ही ना हो, खरीदारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आप सबके लिए, इंडिया वालों के लिए बहुत ही खास खुशखबरी, भारत की विश्व की मतलब टॉप क्लास की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजन भारत में खरीदारी का त्योहार लेके आ रही है, जो कि फ्लिपकार्ट 16 अक्टूबर से शुरू कर रहा है, तो वहीं अमेजन जो है वह 17 अक्टूबर से शुरू कर रहा है। बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन की। फ्लिपकार्ट का यह फेस्टिवल 16 अक्टूबर से शुरू होकर के 21 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि अगर आप फ्लिपकार्ट के प्राइम मेंबर हैं तो आपके लिए यह सुविधा 15 अक्टूबर से ही मिलेगी। जबकि अगर आप अमेजन का फेस्टिवल सीजन 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जबकि अमेजन ने अभी तक लास्ट डेट अनाउंस नहीं की है कि इसका लास्ट डेट कब तक होगा, लेकिन अमेजन में अगर आप प्राइम मेंबरशिप है तो यह सुविधा आपको 16 अक्टूबर से ही मिलेगी। जब दोनों कंपनियों ने अपने 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 डेट की अनाउंस कर दिए हैं और ऑफर के साथ साथ इन लोगों ने कुछ कंपनियों के साथ टाई अप जरूर किया होगा। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की और अमेजन के टाई अप की। फ्लिपकार्ट जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लेके आया है, उसमें गूगल पिक्सल का 4a मोबाइल है, जो कि आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा। और अगर इसके अलावा नेक्सा आइडियो है पे खरीदारी के लिए उपलब्ध रहेगा। बात कर लेते हैं टीवी की। टीवी लॉन्च किया है, जिसकी नोकिया ने स्मार्ट टीवी लॉन्च किया, जिसकी कीमत 12,999 से लेकर के 69,999 तक। अब अगर अमेजन की बात कर लेते हैं, अमेजन वन प्लस 80 प्रीमियम फोन अमेजन पे लॉन्च किया है, जिसको कि आप 17 अक्टूबर से खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजन का अमेजन डॉट भी उपलब्ध है, फायर टीवी स्टिक है, फायर टीवी का लाइट वर्जन उपलब्ध रहेगा अमेजन पे। अब बात कर लेते हैं हम ऑफर की। अगर हम ऑफर की बात करेंगे, फ्लिपकार्ट पे ऑफर जो है, अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूजर हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। इसमें EMI और एक्सचेंज का भी ऑप्शन उपलब्ध है फ्लिपकार्ट में। अगर हम अमेजन की बात करते हैं, तो अमेजन ने टाई अप किया हुआ है HDFC के साथ। अगर आप HDFC के डेबिट क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो 10% डिस्काउंट आपको अमेजन ऑफर पे मिलेगा, और अमेजन पे भी EMI और एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध है। दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर जाकर खरीदारी करना चाहते हैं, अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, ये आपके ऊपर है।